नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बंदनास किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया मिठाई लेके आई हूँ जिसको यूपी बिहार में लौंग लता कहते हैं और बंगाल साइड में इसको लवंग बोलते हैं। तो लौंग लता कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। जिसके लिए मैं 2 कटोरी मैदा ले ली हूँ। अब इसमें हम 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी या रिफाइंड ऑयल आप जो भी यूज करते हैं वो डालिए, पर घी से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैं 2 चम्मच इसमें घी डाली हूँ। अब हम घी को मैदे में अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से मैदा एकदम हल्का हो जाएगा और हमारा लौंग लता बहुत खास्ता बनेगा। देखिए, घी का मोइन मैदा में बन चुका है और इस तरह से आटे को दबा के हम हाथ से देखेंगे, इस तरह का लोई बन रहा है तो हमारा मोइन सही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूंथ लेंगे। ना तो इसको ज़्यादा कड़ा करना है और ना ज़्यादा ढीला रखना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे और इसको गूंथेंगे। इस मिठाई को आप बना के 4 से 5 दिन तक ऐसे रख सकते हैं और अगर फ्रिज में रखें तो 15 दिन तक यह रह जाएगा। ज़्यादा दिन तक इसको खुले में स्टोर न रखें, क्योंकि इसमें एक खोआ रहता है, तो खोआ खुले में अगर रहेगा तो ख़राब हो जाएगा। इसके लिए को फ्रिज में रख के आप 10 से 15 दिन रख सकते हैं और बाहर में रखना है तो 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। यह हर मौसम में आप बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी मिठाई लगता है खाने में। इस तरह से हम मैदा को लगा के 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो हम 10 मिनट के बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो गया है, अब हम इस मैदा को अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। फिर अब हम इसमें छोटी छोटी लोई करेंगे। इस तरह से जितना बड़ा हमें लौंग लत्ता बनाना है उतना बड़ा बड़ा लोई काट लेंगे। अब हम पूरी के जैसा बेल लेंगे। इस पूरी को ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। इस तरह से बेलने के बाद अब हम इसमें खोआ भर देंगे। दोस्तों, खोआ बनाने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और हमें इसको तलने के बाद चाशनी में डालना है, तो चाशनी बनाने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब हमको खोआ डालने के बाद इसको चारों तरफ से पानी से गीला कर देंगे और गीला करके इस तरह से हम इसको दोनों तरफ से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको भी गीला करके ऐसे मोड़ देंगे, जो तेल में जाने के बाद हमारा लौंग लता खुले नहीं। और हम अब ये जो दोनों पोर्शन है इसको भी ऐसे ही मिला के पानी के सहायता से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद अब हम इसमें एक लौंग ऐसे डाल देंगे। इस तरह से लौंग लता को बना लेंगे और इसी तरह से हम सारा लौंग लता अब बना लेते हैं। इस तरह से फिर से हम दूसरा लोई ले लिए और उसका पूरी बेल लेंगे। पूरी ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। अगर हम पूरी ज़्यादा पतला रखेंगे तो हमारा लौंग लता फट जाएगा, तो इसीलिए ऐसा ठीक बेलना है, ना तो ज़्यादा मोटा ही रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है। अब हम इसमें चारों तरफ से पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद इस पर हम खोआ डाल देंगे। खोआ में ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं दोस्तों आप, वह और अगर आप नहीं पसंद करते हैं
तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर दीजिए। और इस तरह से हम चिपका देंगे, पानी लगा हुआ था इसमें तो ये आसानी से चिपक जाता है। अब इसको ऐसे रख के दूसरे को ऊपर से चिपका के इसमें एक लौंग डाल देंगे। देखिए इस तरह से हम सारा लौंग लता पहले बना लेंगे, उसके बाद तेल में फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों 2 कप मैदे में 19 से 20 लौंग लता बनके तैयार है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल गैस पे चढ़ा दिए हैं और यह गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके लौंग लता 5 से 6 डाल देंगे। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है और ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। लौंग लता के लिए तेल भी ज़्यादा हाई हीट का गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसको धीमे धीमे पलटते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छा डीप फ्राई कर लेंगे। दोस्तों इसमें खोआ भर के मैं यह बनाई हूँ। खोआ बनाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और चाशनी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जिससे आप लोग देख लीजिएगा और बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों पानी से चिपकाएं, नहीं तो यह लौंग लता खुल जाएगा और सारा खोआ बाहर निकल जाएगा। अगर हम बिना पानी का इसको चिपकाते हैं तो लौंग लता खुलने का डर रहता है। इस तरह से 10 मिनट तक इसको धीमे आंच में हम फ्राई करेंगे। इस तरह से लाल हो जाने पर लौंग लता को हम तेल से निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ लौंग लता है इसको हम फिर से तेल में डाल देंगे। अब लौंग लता को एक एक करके चाशनी में डाल देंगे। चाशनी भी हल्का गर्म है तो सारे लौंग लता को चाशनी में डाल के 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। उसके बाद चाशनी से निकालेंगे क्योंकि लौंग लता चाशनी में अच्छी तरह से डूब जाए, इसीलिए 10 मिनट तक हम चाशनी में लौंग लता को छोड़ेंगे। बाकी का जो बचा हुआ लौंग लता था वो भी हमारा पक गया है। अब हम इसको एक एक करके फिर कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और फिर गर्मा गर्म चाशनी में डाल देंगे। देखिए दोस्तों 100 रुपये के खर्च के अंदर ही हमारा इतना सारा आधा किलो जैसा मिठाई बनके तैयार है। तो घर पे ही कम खर्चों में घर के सामग्री से ही हम 100 रुपये के अंदर ही आधा किलो से ऊपर मिठाई बना सकते हैं घर में। अब हम एक एक करके सारे लौंग लता को चाशनी से निकाल लेंगे बाहर। इस तरह से सारे लौंग लता को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी का जो बचा हुआ लौंग लता है उसको भी इसी तरह से हम चाशनी में डाल के 10 मिनट छोड़ देंगे और उसके बाद हम चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। 10 मिनट तक इस लौंग लते को चाशनी में छोड़ देंगे। उसके बाद वापस जो बचा हुआ लौंग लता है उसको भी हम चाशनी में डाल के 10 मिनट तक छोड़ देंगे और उसके बाद हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए एक लौंग लता को मैं काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए एकदम अंदर तक चाशनी भरा हुआ है। देखिए देखिए दोस्तों हमारा लौंग लता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप भी बनाइए, खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।